हाय, दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। आज हम एक बहुत ही आसान गणेश चतुर्थी के लिए प्रसाद रेसिपी बनाएंगे, मीठी बूंदी, जो बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं मीठी बूंदी। मीठी बूंदी बनाने के लिए हमने ये एक कप बेसन को छान लिया है, ये एक कप शक्कर, अब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ये ऑयल, पानी, वन पिंच ऑरेंज फूड कलर या केसरी फूड कलर, ये ऑप्शनल है, 8 to 10 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन, वन पिंच बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, ये खरबूजे के बीज या मेलन सीड्स फॉर गार्निशिंग। तो चलिए बनाते हैं मीठी बूंदी। हम पहले बैटर बनाएंगे। बाउल में लेंगे ये बेसन, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बैटर बनाएंगे। हमने ये एक कप पानी यूज किया है। हमारा ये बैटर ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमने बनाया है। इसमें हम डालेंगे ये 1 टीस्पून ऑयल, इसमें हम 1 पिंच फूड कलर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, हम अभी चाशनी बनाएंगे। पैन में डालेंगे ये शक्कर, गैस ऑन कर लिया, इसमें डालेंगे हम ये 1 कप पानी, आधा कप और डालेंगे, मिक्स कर देते हैं और ये शुगर को मेल्ट होने देंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम में शुगर को मेल्ट करेंगे। ये शुगर सिरप या चाशनी में उबाल आ गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं, जैसे थोड़ा स्टिकी होना चाहिए, बस इसका स्टिंग कंसिस्टेंट की जरूरत नहीं है, तार आने की जरूरत नहीं है, स्टिकी हो जाए। इसमें हम डालेंगे ये इलायची पाउडर, ये केसर, गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें डालेंगे ये 1 पिंच ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल है, बैटर में हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा, हमने गैस ऑन कर लिया है और कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। तेल गरम होने के बाद हम चेक करेंगे, एक ड्रॉप डाल के देखेंगे, ये बैटर इमीडिएटली अगर ऊपर आ जाए तेल के, इसका मतलब ये तैयार है, हम फ्राई कर सकते हैं। हम ये बैटर ये झारे पे डालेंगे।
हम ये पूरी को तलने वाला जो स्पून है इसमें भी हम बना सकते हैं। हम बूंदी ये ग्रेटर से भी बना सकते हैं। इसको हम टर्न करेंगे, ये अंदर की तरफ बैटर डालेंगे। हमने सारे बूंदी को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे इस गरम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में हम 25-30 मिनट तक हम इसे सोक करके रखेंगे, बाद में हम इसे सर्व करेंगे। हम इस चाशनी से बूंदी को स्ट्रेन कर लेंगे। हमने इसे आधे घंटे तक चाशनी में सोक करके रखा था। हमारा ये आसान गणेश चतुर्थी प्रसाद रेसिपी यानी मीठी बूंदी की रेसिपी तैयार है। हमने इसे सर्व किया है मेलन सीड्स के साथ।